नमस्कार। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th पॉलिनोमियल वाला ये चैप्टर है। इसके पहले आपको पिछले वीडियो में इसी 2.2 एक्सरसाइज का ही, जो कि क्लास 10th में है, इसके प्रॉब्लम करवा चुका हूँ। 2.1 भी हो चुकी है। इसके अलावा पहले के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 वो भी कंप्लीट हो चुकी है। वो भी आपकी वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब में, आप जरूर देखिए। इसके बाद हम यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है नंबर 1 का एक्सरसाइज आपकी आ रही है 2.2, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला प्रॉब्लम है, जिसमें इक्वेशन है 4u² + 8u। ये जो प्रॉब्लम आपका है, इसको मैं आपको अल्फा और बीटा, जिन्हें हम रूट्स कहते हैं, जीरोस कहते हैं, वो प्राप्त करना है। हिंदी में मूल कहते हैं और शून्यक भी कहते हैं। जीरोस मीन्स शून्यक और रूट्स मीन्स आपका मूल, ये प्राप्त करना है। और यहाँ पर आपको ये आपका बाइनोमियल टर्म में दिया हुआ है, इसको आपको वेरीफाई भी करना है कोफिशिएंट के साथ, जो कि गुणांक होते हैं 4 और 8। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको पहले 4u प्राप्त कॉमन निकलेगा, जिसमें u+2 ब्रैकेट में आएगा। इस तरह से 4u = 0 एंड u+2 = 0। तो u = 0/4, तो u = 0, और यहाँ पर आएगा u = -2। ये अल्फा रूट्स कहलाएगा और ये बीटा रूट कहलाएगा, इसे हम शून्य कहते हैं। अब ये दो वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है 4u² + 8u, तो कांस्टेंट में हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं, और इसका कंपेयर आप ax² + bx + c से करते हैं। और यहाँ पर a = 4, b = 8 और c = 0 रहेगा। अब वेरीफाई करना है, मतलब सत्यापन करना है कि वास्तव में ए बी सी का अल्फा बीटा से कोई रिलेशन क्लियर है या नहीं। तो हमारे पास α + β = -b/a होता है, जो कि सम ऑफ जीरो या सम ऑफ रूट्स कहते हैं, हिंदी में शून्यकों का योग होता है ये, और α × β = c/a, ये इन्हीं शून्यकों का गुणनफल भी है, इसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहा जाता है। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 0 प्लस बीटा की वैल्यू है -2 माइनस बी की वैल्यू है 8 और ए की वैल्यू है 4 2 8। तो यहाँ पर आएगा -2 और यहाँ भी -2, ये इक्वल हो गया है। इसी प्रकार आपका α × β हम देखते हैं, तो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 0 × β की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू है 4। तो यहाँ 0 × -2 से करेंगे 0 आएगा, और 0/4 मीन्स 0। इस तरह से ये इक्वल आता है। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया, सत्यापन हो गया कि α + β जो आपको सॉल्व करने से प्राप्त हो रहा है, उनका सम उतना ही है जितना कि उनके जो कोफिशेंट होते हैं उनके रेशियो के इक्वल। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारे पास। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर इसी का आप 6 वाला प्रॉब्लम देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 3x² - x - 4। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर 1 है और 3 और 4 का इंटू किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, और 4 - 3 = 1। तो इस तरह से स्प्लिट मिडिल टर्म हुआ, और 3x² - (4 - 3x - 4), तो 3x² - 4x + 3x - 4। अब यहाँ से आप कॉमन निकालिए, और इसमें से भी कॉमन निकलेगा, दो दो टर्म हो गए हैं, तो 3 मतलब यहाँ पर x कॉमन निकलेगा, तो 3x - 4, और यहाँ पर 3 × 1 = 4, तो 1 कॉमन निकलेगा, और ब्रैकेट में 3x - 4। अब 3x - 4 दोनों ब्रैकेट में है, इसको कॉमन लिया जाएगा, और बचेगा क्या, x + 1। ये
अब ये 3x माइनस 4 इक्वल 0, x प्लस 1 इक्वल 0, तो 3x इक्वल 4, x इक्वल 4 अपॉन 3 और यहाँ पर x इक्वल माइनस 1, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ए बी और सी है, तो आपके पास ए इक्वल 3, बी इक्वल माइनस 1 और सी इक्वल माइनस 4 है। यहाँ पर ये ए बी सी की वैल्यू है। अब आप फिर इसमें रखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल वेरिफिकेशन के लिए माइनस बी अपान ए, तो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 4 अपान 3 प्लस और बीटा की वैल्यू है माइनस 1, माइनस बी की वैल्यू माइनस 1 और ए की वैल्यू है यहाँ पर 3। अब ये सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल प्लस 1 अपान 3 और यहाँ पर भी 1 अपान 3 इक्वल 1 अपान 3 ये इक्वल आता है। इसके बाद आपका प्रोडक्ट में देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपान ए, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 4 अपान 3 और बीटा की वैल्यू है माइनस 1, जबकि सी की वैल्यू है माइनस 4 और ए की वैल्यू है 3, तो ये इंटू करेंगे तो 4 वन जा 4 माइनस 4 अपान 3 आएगा और इक्वल में माइनस 4 अपान 3। इस तरह से ये आपका इक्वेशन यहाँ पर इक्वल हो जाता है। फिर इसके बाद आपका इसी का एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है यहाँ पर, इसमें आपको फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टली। आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्रम से दिए गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में सम ऑफ जीरोस ये दिया गया है आपको 1/4, ये अल्फा प्लस बीटा भी आप लिख सकते हैं जीरोस के रूप में, मतलब ये शून्य अंकों का योग है अल्फा धन बीटा बराबर ये। इसके बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दिया गया है माइनस 1, जो कि अल्फा इंटू बीटा कहलाता है ये। अब आपको पॉलिनोमियल तैयार करना है थ्री टर्म का, तो हमारे पास इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब शून्य अंकों का योग एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस तरह से। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर लिखा, सम ऑफ जीरोस दिया है आपको 1/4, एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस 1। आप इसका एलसीएम ले सकते हैं 1/1 लेकर, यहाँ पर भी 1 लिया आपने, एलसीएम आ गया 4, 1 4 जा तो 4x स्क्वायर माइनस 4 1 जा तो 1x और 1 4 जा यहाँ 4 इंटू 1, तो इस तरह से ये हुआ। अब आप ये 1/4 को आप कॉमन लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो ये k के रूप में कांस्टेंट वैल्यू है, 1/4 अलग कर लेते हैं आप और इस तरह से आपका आंसर हो जाता है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका पॉलिनोमियल है। इसके बाद इसी का जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम एक जैसे हैं आपका, जैसे मान लो थर्ड वाला प्रॉब्लम देखते हैं, जिसमें आपको थर्ड वाली प्रॉब्लम में आते हैं जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेंज है। सम ऑफ जीरोस आपको दिया गया है देखिए, थर्ड वाला प्रॉब्लम सम ऑफ जीरोस जीरो दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रूट 5 दिया हुआ है। अब इसमें पुट करेंगे वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स प्लस और यहां पर रूट 5,
आपका प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर जीरो का इंटू इससे करने से पूरा जीरो हो जाता है, तो बचता है केवल रूट फाइव और ये आपका आंसर है। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। जैसे मान लो आपको इसी एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर, यदि हम फिफ्थ वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में माइनस वन अपान फोर और ये वन अपान फोर दिया हुआ है, और इसमें भी आपको पॉलिनोमियल मतलब बहुपद हिंदी में याद करना है, जबकि ये शून्य अंकों का योग है और ये गुणनफल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस और ये माइनस वन अपान फोर एक्स और ये वन अपान फोर। अब इसका एलसीएम लेंगे आप, फोर आएगा तो ये फोर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर आप वन लिख लीजिए और वन अपान फोर को के सपोज कर लीजिए कांस्टेंट, तो आपका रियल आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इस तरह से सॉल्व हो जाता है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज 2.3 कराएंगे। ये अच्छे से प्रॉब्लम है, डिवाइड के हैं, क्लास 10th के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।